चमत्कार है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वो देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। और महाराज मोदी जी का उम्र हो गया, जब वो फिसल गया होगा तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है भाई। लेकिन आम जनता को कौन समझाए। इसके बाद लोगों का गोजबे का प्रतिक्रिया आया, ने जरा देख लीजिए। क्लास अब ठीक से सुना रहा है तो इसी पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह खिंचाया करता हुआ लिखते हैं, बेटी पटाओ आज फिर टेलीप्रॉम्प्टर ने धोखा दे दिया क्या। अच्छा तो राधा रानी लिखती हैं, भक्त तो कवर करते करते थकने लगे हैं, आखिर हो क्या गया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। वैसे अगर तबियत में कोई दिक्कत है तो आराम करने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं उनको। सही है। तो सूरज शर्मा लिखते हैं, गुरु टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे मानसिकता को कब तक छिपाया जा सकता है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। बेकार जो खिंचाया करता हुआ लिखते हैं, मैंने भी ये सुना था तो एक बार आश्चर्य हो गया, फिर सोचा जबान फिसल गई होगी। विमल बोलो जबा कौसरी। आर यू कॉमेडी मी। तो नीतीश कुमार गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं, बेटी पटाओ जैसे शब्द अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव या किसी मुस्लिम ने बोल दिया होता तो अब तक भाजपा प्रवक्ता रूबिका अंजना और चित्रा न्यूज स्टूडियो में लौट लौट कर नागिन डांस कर रही होती। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तेकार यूजर लिखते हैं, बहुत से बहुत 65 साल की आयु में सरकार रिटायर कर ही देती है, साहब की आयु तो 71 साल हो गई, अब इनका रिटायरमेंट का वक्त आ गया, कर दीजिए नहीं तो एक दिन इंटरनेशनल भत्त पिटवाएंगे साहब। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तेकार यूजर लिखते हैं, प्रचार मंत्री के माध्यम से देश में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर एक बात जरूर पता चली है कि देशवासियों के मनोरंजन में पिछले 7 वर्षों में कोई कमी नहीं आई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वर्मा जी कहाँ पीछे रहेंगी भाई, गजब का लिखी है। कहती हैं, मोदी जी इतना झूठ बोल चुके हो, अब तो आपकी जबान भी आपका साथ नहीं देती। मोदी जी बहुत हो गया, अब बस भी कीजिए, अब आपके आराम का वक्त है। बड़ा हरामी हो।